जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉस्ट हिस्ट्री पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और आप सभी ने थंबनेल पर बिल्कुल ही सही देखा, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि 20 दिनों में इन बचे हुए 20 दिनों में इंग्लिश की तैयारी आपको किस तरह से करनी है और 40 नंबर इंग्लिश में कैसे पक्के कर लेने हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CBSE टर्म सेकंड का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है और जानते हैं दोस्तों सबसे पहला एग्ज़ाम किसका होने वाला है, कि सब्जेक्ट का सबसे पहला एग्ज़ाम जो कि 27 अप्रैल को होने वाला है वो दोस्तों इंग्लिश का ही होने वाला है। तो आप सभी लोगों को इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी होगी। देखिए बिल्कुल दोस्तों कान खोल के ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने कहा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की दोस्तों शुरुआत हमारी इंग्लिश एग्ज़ाम के साथ होने वाली है। सबसे पहला एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला इंग्लिश का होने वाला है, तो आप सभी लोगों को इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ी से करनी होगी, क्योंकि समय बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसके पीछे का कारण समझिए, कारण दोस्तों यह है कि पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का होने वाला है। अगर हम पहले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करके जाते हैं और सभी सवाल एग्ज़ाम में करके आते हैं तो हमारे अंदर का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है पहले एग्ज़ाम से। और दोस्तों उसके बाद जो एग्ज़ाम हम देने जाते हैं ना उसमें हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। मान लीजिए हमारा पहला एग्ज़ाम बेकार चला गया तो दोस्तों बाद वाले सभी एग्ज़ाम हमारे बेकार ही जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम पहला एग्ज़ाम अच्छी तरह से करके जाते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है, कहने का मतलब यह है। तो आप सभी लोगों को इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी होगी। उसी के साथ देने आप सभी के सामने दोस्तों हम हाजिर हुए हैं, चलिए उसे स्टार्ट करिए। सबसे पहली बात कि आखिर दोस्तों आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। जैसा कि दोस्तों अगर मैं खुद की बात करता हूँ ना, अगर मैं खुद की बात करूँ तो अभी तक मैंने इंग्लिश में दोस्तों कुछ खास नहीं किया है और आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वही चीज़ें मैं भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आखिर इस वीडियो को दोस्तों देखने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से दोस्तों सवाल पूछेंगे, 40 नंबर आपको कैसे पक्के कर लेने हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, हमें तैयारी क्या करनी है, तैयार क्या करना है। दूसरी दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि किस सेक्शन में कितने नंबर के सेक्शन होने वाले हैं और किस सेक्शन में सवाल कहाँ से पूछे गए हैं कितने नंबर के। तीसरी तो दोस्तों आप ये सीखने वाले हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है, बाकी सभी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख ही सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं CBSE टर्म सेकेंड इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया CBSE के द्वारा, वो सैम्पल पेपर इस वक्त दोस्तों हमारे हाथ में मौजूद है, वो सैम्पल पेपर हमने लिया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह का सैम्पल पेपर दिया जाता है हर एग्ज़ाम से पहले उसी तरह का पेपर भी आता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ठीक इसी तरह का दोस्तों 27 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों इसी तरह का पेपर आने वाला है, पैटर्न दोस्तों यही रहेगा, बाकी सवाल भले बदल दिया जाए। उसी के साथ साथ ये दोस्तों जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं ना, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कितने नंबर का दोस्तों सेक्शन होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कितने नंबर के हैं, और जो सेक्शन ए दिया गया है जो कि दोस्तों रीडिंग सेक्शन है उसमें जो पैसेज दिया गया है कहाँ से पूछा गया है, चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों लिख के सीखने वाले हैं, तो आपको करना ये है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठनी है, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसे दोस्तों लिखते हुए चलना। उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्या करें, जल्दी से सब्सक्राइब ही कर दीजिए। देखिए इंग्लिश का दोस्तों सैम्पल पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और जानते दोस्तों जो सेक्शन ए है वो रीडिंग सेक्शन है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होने वाला है। अब देखिए दोस्तों रीडिंग सेक्शन का क्या मतलब हुआ, रीडिंग सेक्शन में दोस्तों आपको सवाल पूछे जाएंगे, आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको दोस्तों सवाल के जवाब देने होंगे, वहां से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए रीडिंग है दोस्तों जो दिया गया है, रीडिंग वाला सेक्शन, सेक्शन ए कितने नंबर का होने वाला है, सेक्शन ए आपका 10 नंबर का होगा, कितने नंबर का, सेक्शन ए दोस्तों जो होगा वो आपका 10 नंबर का होने वाला है। और देखिए आपको दोस्तों ये 10 नंबर कहाँ से पक्के करने हैं, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम उसे सीखते हैं। सेक्शन ए 10 नंबर का होने वाला है, रीडिंग सेक्शन होगा, इसमें दोस्तों आपको पैसेज दिया जाएगा, सेक्शन में आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, 2 सवाल दोस्तों आपको दिए जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक सवाल यहाँ पर
एक सवाल दोस्तों ये हो गया, दूसरा सवाल हमारा ये हो गया, मतलब सेक्शन ए में हमें दो सवाल यहाँ दिए जाएंगे, सबसे पहला सवाल और दूसरा सवाल, और दोनों ही पैसेज दिए जाएंगे, और उन पैसेज के अंदर दोस्तों आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे। एक ही सवाल के अंदर आपसे पांच दोस्तों छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर लिखना होगा, एक ही नंबर के होंगे, मिला जुला कर 10 नंबर का होने वाला है। अब दोस्तों सीखिए कि आखिर पैसेज किस तरह का दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लिखने वाले हैं पैसेज दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो सिंपल पैसेज दिया जाएगा, सबसे दोस्तों सिंपल पैसेज। देखिए सिंपल पैसेज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल, आपको सिर्फ छापना होगा, करना तो दोस्तों आपको होगा ही, मेहनत तो करनी होगी। सबसे पहला सिंपल पैसेज दिया जाएगा, इसमें आपको नंबर नहीं दिखने वाला। और दोस्तों दूसरा पैसेज, जो दूसरा पैसेज आपको दिखेगा वो फैक्चुअल पैसेज दिखेगा। किस तरह का फैक्चुअल पैसेज? फैक्चुअल पैसेज का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आपको नंबर्स दिखने वाले हैं, जैसे कि आपको टेबल भी दिख सकती है, आपको दोस्तों नंबर भी दिख सकता है। तो पहला पैसेज दोस्तों पाँच नंबर का आने वाला है, पहला पैसेज पाँच नंबर का होगा जो कि दोस्तों सिंपल पैसेज होगा, दूसरा पैसेज भी हमारा पाँच ही नंबर का होगा जो कि हमारा फैक्चुअल पैसेज होने वाला है। इसमें दोस्तों हमें फैक्ट दिए जाएंगे, इसमें हमें टेबल या फिर नंबर दिए जा सकते हैं, मतलब मिला जुला कर यहाँ से दोस्तों रीडिंग सेक्शन यानी सेक्शन ए से 10 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इन पैसेज की तैयारी हमें कहाँ से करनी है, क्या ये पैसेज हमारी किताब में से उठा के दिया जाएगा? देखिए आपको दोस्तों जो सेक्शन ए में जो पैसेज दिए जाएंगे ना वो किताब में से नहीं दिए जाएंगे, किताब में से दोस्तों पैसेज नहीं दिया जाएगा। आपको जो पैसेज है किसी अखबार की कटिंग दी जा सकती है या फिर दोस्तों गूगल से निकाल के कहीं से भी दिया जा सकता है, लेकिन किताब से नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमें तैयारी कहाँ से करनी, क्या दोस्तों मैंने कहा सवाल तो यहाँ पर ये उठ जाता है कि आखिर दोस्तों हमें तैयारी कहाँ से करनी है। चलिए हमने तो ये मान लिया कि सेक्शन दोस्तों जो दिया गया है ना, जो सेक्शन दोस्तों दिया गया है पैसेज, वो हमारी किताब में से नहीं दिया जाएगा, फिर तैयारी हम कहाँ से करेंगे? ये सवाल दोस्तों आप सभी के मन में उठना चाहिए। अब देखिए पैसेज की तैयारी करने के लिए सबसे दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैंपल पेपर। अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर नहीं खरीदा दोस्तों खरीद लीजिए, और उसमें जो पैसेज दिए गए हैं ना उन पैसेज को रीड कीजिए, और ये देखिए कि सवाल का आंसर किस तरह से लिखा गया है। आपको रटना नहीं है बैठ के, आपको दोस्तों सिर्फ इतना ही देखना कि सवाल का आंसर कहाँ से लिखा गया, किस तरह से हमें आंसर देना है। इस तरह से आप दोस्तों इन पैसेज की तैयारी कर सकते हैं। किताब को मत दोस्तों रटने लगिएगा पैसेज देखने के लिए, क्योंकि पैसेज दोस्तों किताब में से नहीं दिया जाएगा। तो इतना दोस्तों आप सभी ने सीख लिया, आप रीडिंग सेक्शन 10 नंबर, यहाँ से आपको 10 नंबर पक्के कर लेने हैं। चलिए दोस्तों इसे हम मिटा देते हैं, मिटाने के लिए इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि दोस्तों ग्रामर का होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसे हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं सेक्शन बी। अब यहाँ देखिए सेक्शन बी दोस्तों ग्रामर होने वाला है, ग्रामर एंड राइटिंग क्या होगा, सेक्शन बी दोस्तों ग्रामर होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर राइटिंग भी होगी। सबसे पहली बात दोस्तों हम राइटिंग की कर लेते हैं, राइटिंग मतलब समझ रहे हैं, आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। यहाँ देखिए ये सेक्शन बी जानते हैं दोस्तों, ये भी हमारा 10 नंबर का होने वाला है, सेक्शन बी भी 10 नंबर का होगा, और सेक्शन सी दोस्तों 10 10 20 हो जाएंगे, तो ये हमारा 20 नंबर का हो जाएगा, मतलब मिला जुला कर सेक्शन ए बी और सी को मिला जुला कर 40 नंबर पक्की हो जाएंगे। अब देखिए सेक्शन बी 10 नंबर का होगा, जिसमें दोस्तों ग्रामर और राइटिंग का पोर्शन आएगा। अब राइटिंग में क्या आएगा, राइटिंग में जानते हैं दोस्तों आपको लेटर आएगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग में दोस्तों आपको लेटर आएगा। अब लेटर आएगा या फिर दोस्तों एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ लिखना होगा। मैं दोस्तों आपको लेटर बताने वाला हूँ, पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक लेटर तो आपसे पूछा ही जाने वाला, आपको दोस्तों उस लेटर को रट लेना है, उस लेटर को अच्छी तरह से सीख लेना है, जिससे आपकी पाँच नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। देखिए राइटिंग से पाँच नंबर पक्के होंगे और ग्रामर से पाँच नंबर पक्के होंगे, मिला जुला कर 10 नंबर सेक्शन बी से आपको पक्के करने हैं। राइटिंग से एक लेटर पूछा जाएगा। अब लेटर दोस्तों यहाँ पर आपसे दो तरह के पूछे जाएंगे, सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि लेटर ऑफ ऑर्डर, क्या पूछा जाएगा, लेटर ऑफ ऑर्डर। देखिए लेटर ऑफ ऑर्डर का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं किसी चीज़ को, जब हमें देखिए ऑर्डर मतलब समझते हैं, जब कोई चीज़ हमें मंगानी होती है उसके लिए दोस्तों हम लेटर लिखते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर दोस्तों हम वीडियो बना देंगे कि ऑर्डर के लिए लेटर किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहला सवाल लेटर दोस्तों पूछा जाएगा, राइटिंग के पोर्शन में सबसे पहले लेटर ऑफ ऑर्डर पूछा जाएगा, और या फिर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। मतलब देखिए आपको करना यह है कि दोस्तों ये दोनों ही लेटर जो है ना इसे रट लीजिए, क्या मैंने कहा, इन दोनों ही दोस्तों लेटर को रट लीजिए, अच्छी तरह से घोल के पी जाइए, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं दोस्तों ये दोनों लेटर्स रट लेते हैं सीख जाते हैं, तो यहाँ से पांच नंबर दोस्तों आपको कोई नहीं छीन सकता, आपके पांच नंबर कोई नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ से देखिए पांच नंबर दोस्तों लेटर से पक्के होंगे आपके,
और बाकी 5 नंबर यहाँ आपके ग्रामर से पक्के होंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है ग्रामर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर जो ग्रामर वाला पोर्शन है दोस्तों टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का बिल्कुल सेम दिया गया है। अगर आपने ग्रामर की तैयारी टर्म फर्स्ट में अच्छी तरह से की होगी तो आपको टर्म सेकंड में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से आपकी 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए फिर भी दोस्तों एक बार बता देता हूँ कि आखिर ग्रामर से कौन सा टॉपिक आने वाला है टर्म सेकंड के एग्जाम में। देखिए नोट करते हुए चलिएगा, सबसे पहले टेंसेज, मॉडल, सब्जेक्ट और कॉन्कॉर्ड, डिटरमाइनस, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले सवाल दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही जो पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को पढ़कर आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो देखिए अगर दोस्तों आप काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के होंगे जो कि ग्रामर वाले पोर्शन से पूछे आने वाला है। तो इस तरह से हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात दोस्तों कर ली है, और जो सेक्शन सी बसता है वो दोस्तों लिटरेचर का बसता है। इसमें आपको दोनों ही किताबों को रटना होगा, अच्छी तरह से सीखना और समझना होगा। और दोस्तों जानते हैं सेक्शन सी चूंकि अलग होने वाला है तो इस सेक्शन की बात हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो कि आपकी ही तरह क्लास 10th में और टर्म सेकंड का एग्जाम देने वाले हैं। और बताएं दोस्तों कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है ना, इस वीडियो को बनाने में दोस्तों ज़रा सा मेहनत लगी है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर ये अपने हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे नई वीडियो जैसे ही आए सभी लोगों को पता चल जाए।